अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोमिनियन बिल्डर्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन कराची में मौजूद हैं। डोमिनियन फूड स्ट्रीट जो कि हॉस्पिटल कमर्शियल पर मौजूद है, बैरियर टाउन में बना हुआ सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसी एवेन्यू 2 के ऊपर, यानी जिसे हॉस्पिटल कमर्शियल भी कहते हैं, यहाँ पर डोमिनियन फूड स्ट्रीट बन चुकी है। फूड स्ट्रीट का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि बेसमेंट, ग्राउंड और मेज़नाइन का जो एरिया है ये टोटली कमर्शियल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ बनेंगे। ये आउटलेट्स होटल्स, रेस्टोरेंट्स के तौर पे बेचे गए थे और आज ये 100% रेडी हैं और पोजीशन लेके लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपने बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, और जो कि मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद माह में ये जगह बैरियर टाउन की मसरूफ तरीन जगह में से एक जगह होगी। और इससे ऊपर बन रहे हैं अपार्टमेंट, जिसके कोई 7-8 स्टोरी तक सारे अपार्टमेंट होंगे। अपार्टमेंट में 2 कमरों का 3 कमरों का और 4 कमरों के अपार्टमेंट हैं, और इन अपार्टमेंट्स की तैयारी भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब फिनिशिंग पे काम हो रहा है। यहाँ पे जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल देवर लकी पीपल, और प्लस अगर कोई और लोग जो फ्रेश बायर हैं या आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ जो जिस तरह मैं मर्जिंग की एडजस्टमेंट की बात कर रहा होता हूँ, तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप एडजस्ट या मर्ज करवाना चाह रहे हैं, बैरियर टाउन की ही प्रॉपर्टीज़ हैं या किसी भी बिल्डर की हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। इसी डोमिनियन फूड स्ट्रीट के जो ऊपर अपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ चंद एक ऑप्शंस हमारे इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स की मौजूद हैं जिसमें हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स में कोई बुकिंग है और आप लोग उसकी करंट सूरत हाल जानना चाहते हैं, जिस तरह डोमिनियन ट्विन टावर का प्रोजेक्ट हो, डोमिनियन शॉपिंग मॉल हो, या डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 है, या डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 में जो बने हुए ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, इनकी अपडेट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, और प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन के लिए, यानी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है इसके लिए, प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए, सेल परचेज़ के लिए, किसी भी तरह अगर डोमिनियन में आप लोगों का कोई कंसर्न हो तो हम लोग बिल्कुल इस पर कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।